सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, कला, सांस्कृतिक, कृषी असो वा असो औद्योगिक किंवा असो वैद्यकीय, आम्ही आपल्यापर्यंत पोहोचवतो देशातील, महाराष्ट्रातील, मराठवाड्यातील सर्व क्षेत्रातील उत्तम बातमी, लोकविकास न्यूज, खबर महाराष्ट्राची, लोकविकासाची। आजच आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। जागतिक भिक्खू संघाचे या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। पूजनीय भिक्खू संघाचं पंचांग प्रणाम करून मी नमस्ते, जय भीम, एव्हरी गुड इव्हनिंग एव्हरीवन टू प्रेझेंट हियर। भारतात धम्मयात्रा बुद्धगया ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे जन्मगाव महू मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात चैत्यभूमी ते दीक्षाभूमी ही यात्रा आज आपल्या ऐतिहासिक औरंगाबाद शहरात आलेली आहे। या यात्रेसाठी अत्यंत पूजनीय जगभरात ज्यांना पूजलं जातं आणि जगभरात ज्यांनी अनेक विहार निर्माण केले, म्हणजे अमेरिकेसारख्या देशात जाऊन, इंग्लंडमध्ये, थायलंडमध्ये तर प्रचंड मोठं काम आहे त्यांचं, पण आपल्या देशाच्या जाऊन बाहेर जाऊन जे काम करतात, 30 वर्ष ते जंगलमध्ये राहून त्यांनी उपासना केलेली आहे, असे अत्यंत आदरणीय असं व्यक्तिमत्व, जसं हिऱ्याची पारत काय म्हणतात, सोनार या कमी आहे महाराष्ट्रात। तर हे भंतेजी परा मैं आज यहां पर एक कागज पढ़ के पूरा स्पीच आपके सामने बोल देता तो शायद आप आधी बात तो शायद आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि बात दिल से निकलती है ना तो वो दूर तक जाती है। तो बहुत ही दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और आपने अपना कीमती समय निकाला है यहाँ पर आने के लिए, और ये वादा करता हूँ कि जो सपना मूर्तियों का कहें, बहुत मैं भारत का कहें, जय भीम का कहें, वो पूरा तो होकर रहेगा। जाने से पहले लास्ट बात एक और कह देता हूँ जो कि भीमराव जी ने अभी नहीं बताई, वो कुछ हमारे लिए भी खोलने के लिए हैं। बुद्ध की मूर्तियां तो हमारे यहाँ पर आ रही हैं, थाईलैंड पूरा साथ दे रहा है, बहुत दिल से वो कहते हैं जो आपको हम करें बस करते जाओ। मैंने कहा एक बात और चाहिए मुझे, क्या? मैंने कहा मुझे बाबा साहब थाईलैंड में चाहिए। तो सोच में पड़े कि बाबा साहब कहाँ, मैंने कहा बाबा साहब की मूर्तियों का जो शुरुआत है वो मैं थाईलैंड में करना चाहता हूँ, और इसके बाद पहली मूर्ति जो है बाबा साहब की वटाथॉन्ग थाई जो हम टेंपल में जहाँ मेरा ऑर्डिनेशन हुआ, बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, पहली मूर्ति रॉयल मोनेस्ट्री में बाबा साहब की लगने की इजाज़त हमें मिली। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है महाचुला लॉन्गफॉर्म, उनसे भी मेरी बात होगी, जो सबसे बड़ा धम्म यूनिवर्सिटी है, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है थाईलैंड, उन्होंने भी मुझे वर्बल हाँ कह दिए कि आप प्लीज़ इस ग्राउंड में बाबा साहब की मूर्ति आप लगा सकते हैं। और जब आप बाबा साहब की मूर्ति लगाएंगे तो उसमें हर इंडियन बुद्धिस्ट का योगदान होना ज़रूरी है, किसी ना किसी रूप में याद रखिएगा। वापस आऊँगा, सिर्फ और सिर्फ साथ चाहिए, जिसका जो बनता है वो दे दे, क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि हमें मांगने की, लेकिन हमें बनना है देने वाला। जिस दिन हम देने वाले बन जाएंगे उस दिन हम सच्चे बुद्धिस्ट होंगे, क्योंकि सच्चा बुद्धिस्ट वो होता है जो देने की बात करता है, सर्विस देने की बात करता है, प्यार देने की बात करता है, शांति देने की बात करता है, करुणा की बात करता है, वो असली बुद्धिस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा छोटा सा संदेश आप सबके दिलों तक पहुँचा होगा, और एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।